देश के वरिष्ठ पत्रकार टीवी 9 भारतवर्ष के काउंसलिंग एडिटर अजीत अंजुम को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अजीत अंजुम लगातार सरकार विरोधी खबरें दिखा रहे थे, जिससे वह टीवी 9 मैनेजमेंट के निशाने पर थे। सरकार विरोधी रुख के चलते मजबूर होकर उन्हें टीवी 9 भारतवर्ष छोड़ना पड़ा है। हालांकि अजीत अंजुम ने टीवी 9 भारतवर्ष छोड़ा या उन्हें हटाया गया, इसका भी सच सामने आ गया है। अगर आप आलोचना करते हैं, अगर आप असहमत होते हैं तो एजेंडा चलाते हैं, लेकिन जो दिन भर चाटुकारिता करते हैं, चापलूसी की मीनार पर चढ़कर बांग देते हैं, तो वो क्या चलाते हैं? जो राग दरबारी गाते हुए सत्ता के ढिंढोरची बनकर प्रवचन है, वह क्या चलाते हैं? ये बात हम नहीं बल्कि खुद वरिष्ठ टीवी पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा है। खड़ी बात कहने के लिए वरिष्ठ टीवी पत्रकार अजीत अंजुम ने अपने साथियों विनोद कापड़ी और हेमंत शर्मा के साथ जिस जोश के साथ टीवी 9 भारतवर्ष लॉन्च किया था, उसी चैनल से पहले विनोद कापड़ी और अब अजीत अंजुम के अलविदा कहने के बाद मीडिया गलियारों में कई तरह की बातें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अजीत अंजुम ने ये बड़ा फैसला इसलिए लिया क्योंकि हैदराबाद की मैनेजमेंट टीम ने अब चैनल पर पूरी तरह से अधिकार जमा लिया है। ऐसे में अजीत अंजुम का 7 बजे का शो राष्ट्रीय बहस भी लगातार आने पर था। बताया ये भी जा रहा है कि पहले शो के एजेंडे और विषय को लेकर मैनेजमेंट ने शिकायत करना शुरू किया और फिर अचानक शो का समय 1 घंटे से घटाकर आधा घंटा करने का फैसला ले लिया था। अचानक पिछले हफ्ते हुए इस फैसले के बाद से अजीत अंजुम छुट्टी पर चले गए थे और फिर नए सीईओ के ज्वाइन करने के बाद उन्होंने आखिरकार भरी मन से छोड़ने का फैसला लिया है। वैसे चैनल में काम कर रहे कुछ पत्रकारों का ये भी कहना है कि चैनल की लॉन्चिंग के समय ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि आप लोगों के तो खून में ही मुझे गाली देना है, उसी समय प्रबंधन ने एंटी मोदी माने जाने वाले विनोद कापड़ी और अजीत अंजुम की विदाई का मन बना लिया था और 5 महीनों में ही उसे अमलीजामा पहना दिया। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसे कास्ट कैंटिंग से भी जोड़ रहा है। बताया जा रहा है कि नए प्रबंधन ने पाया है कि चैनल में चुनिंदा लोग मोटा पैकेज दे रहे हैं और ऐसे में मंदी के इस दौर में चैनल को उतना प्रभावी आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैनेजमेंट ने इस तरह की स्थितियों का निर्माण किया। उनके मन माफिक फैसला अजीत अंजुम मजबूर में खुद ही ले ले। एक और चर्चा इस बारे में भी चल रही है कि अजीत अंजुम का टीवी 9 भारतवर्ष के एक साल सितंबर 2018 अगस्त 2019 का कॉन्ट्रैक्ट था जो प्रबंधक ने रिन्यू नहीं किया। ऐसे में अजीत अंजुम को चैनल को अलविदा कहना पड़ा। क्या सच है क्या झूठ है, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।